अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको खबर देंगे। कराची राशिद मिनाज रोड पर वाकई इमारत में आतिशजदगी ने 11 अफराद को अपनी नींद सुला दिया है। आग लगते ही भगदड़ मच गई। इमारत के सिक्योरिटी इंचार्ज ने जान अपनी दाव पर लगाकर कई अफराद को इमारत से निकाला। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार बहादुर सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलस्ताने जौहर आरजे शॉपिंग सेंटर की बेसमेंट में मौजूद हूँ। आप गेट नंबर 3 मेरा कब में देख सकते हैं। इस इमारत में आज सुबह आग लगी जिसमें 11 अफराद की जाने गई। मुतादित अफराद जो है वो अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस इमारत में आग 4वें फ्लोर से शुरू 3रे फ्लोर पे लगी। इस इमारत के सिक्योरिटी इंचार्ज और यहाँ जो लोग सिक्योरिटी पे मामूर थे रात के औकात में, उस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा, इनकी आंखों देखा हाल इनसे जानते हैं। यहाँ से 3 बजे मैं चेकआउट करके गया मॉल को। मैं यहाँ से 3 बजे गया तो घर पहुँचाऊँ, मैं 5 बजे तकरीबन मेरे गार्ड का फ़ोन आता है कि सर यहाँ आग लगी है। मैं 5:30 बजे यहाँ पहुँचता हूँ तो मॉल में कोई ना रेस्क्यू ना बारबियर कोई नहीं थी। हमने अपनी मदद की, आपके तहत मेरे साथ लड़के थे, मेरे बाउंसर भी थे, मेरे गार्ड भी थे, उन्होंने मिल गया और कुछ लड़े यहाँ का स्टाफ भी था, उन्होंने मिल गया। हमने ऊपर 4th फ्लोर में हमने वहाँ पर तकरीबन 20 से 25 गिने या 30 से 40 गिने, इतने आवाम थी जो इस साइड पे मॉल गए। वो वहाँ पर अपना पना लिए थी कि वहाँ पर आग इस साइड पर थी, लेफ्ट गए हमारे, और वो ये पना इस तरफ ले गए, उधर धुआं ही धुआं था। तो मैं जब उनको हम गए बचाने के लिए तो पूरा पैक था वो, तो जाके हमने उनको तोड़ा, उसके दरवाजे वगैरह तोड़ के सब हम गेट वगैरह तोड़ के हमने उधर से बंदों की जान निकाली, उनको बचाया, हम नीचे लेकर आए। फिर हम उस साइड गए, दूसरी साइड गए जहाँ आग लगी थी। मैं हमें जब आग देखी वहाँ पर आग के शोले गिर रहे थे और उन बंदों को निकालना बड़ा मुश्किल था, जिस वजह से मेरे साथ मेरे गार्डों ने मेरे साथ और स्टाफ है उन्होंने मेहनत करके हमने बंदों को रेस्क्यू करा, निकाला इनको और इनको हमने हॉस्पिटल पैस किया। उसके बाद रेस्क्यू तकरीबन 6:40 के बाद रेस्क्यू आई है और फिर मतलब थाने वाले सब आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह में हमने 20 से 25 बंदे हमने बचाए हैं, उनकी जान बचाई है, जो हमने बहुत कोशिश करी कि हमको भी बचाए। हमने उनको नीचे तक लेकर आए, एम्बुलेंस तक लेकर आए, लेकिन बाकी उनकी डेथ हुई, डेथ हुई, जान नहीं थी। बिल्कुल, ये इमारत के सिक्योरिटी इंचार्ज आबिद शाह हमारे साथ मौजूद थे और इनका बताना है कि आग के शोले इतने शदीद थे जिसकी वजह से ये मज़ीद आगे नहीं जा सके। हम ये देखते हैं कि जिस तरह से ये ऑपरेशन इन्होंने अपने तौर पे खुद किया, अगर ये उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं होते और फौरी तौर पर ये हिम्मत अमली नहीं अपनाते और उस आग के शोलों में नहीं जाते लोगों को बचाने, तो शायद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।